अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि मैं सब बहनें और भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, और जितनी भी हमारी बहनें हैं और भाई हैं, जितने भी हमें देखने वाले हैं, सबके लिए हमेशा हमारी दुआ होती है कि अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे, हंसते रहें मुस्कुराते रहें। तो इसी के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज जुमे का रोज़ा था और मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बादल बने हुए हैं। तो अभी इफ्तारी की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, और आपसे शेयर करते हैं, आप ही भी आने वाली हैं तो आपने वीडियो के साथ रहना है, वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अभी चलते हैं और देखते हैं कि आप भी जो है क्या तैयार कर रही। तो व्यूअर्स देख सकते हैं सिकंदर भाई के दोनों बेटे जो है आए हुए हैं, इन्होंने ये दही सेंक ली है, इस वजह से ना रोज़ अबू के पास आ जाते हैं, कभी इनकी जो है हवा निकल जाती है साइकिल की। आज क्या हुआ है, क्या मसला है? अच्छा, इसका दमा ये फमाना है, चलो ठीक है फिर तो सही है। और आप इसको साथ लेके आयो, पीछे बैठ जाता है, गिरा देते होगे इसको ना। अच्छा चलो फिर सही है। तो व्यूअर्स ये सिकंदर भाई के दोनों बेटे हैं माशाल्लाह, इन्होंने नई साइकिल ली है तो ये आ जाते हैं हमारे घर। अब वो पहले साइकिलों का काम करते थे तो इस वजह से ना थोड़ा बहुत जो काम होता है फिर वो कर देते हैं इनको। अभी भी देखें जो है वो मोटरसाइकिल ठीक कर रहे हैं। ये देखें खरगोश जो है वो घास खा रहे हैं, और माशाल्लाह से सुहेल भाई भी जो है आप ही के घर गए हुए थे, वहाँ से आ गए हैं वापस, और इनको जो है अपने खरगोशों का जो है ख्याल होता है। आज सुहेल किस तरह रोज़ा लगा हुआ है? आज रोज़ा नहीं, लगा नहीं, आज बहुत ही प्यारा मौसम था और रोज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा। अच्छा गुजरा आज का दिन? हाँ, बहुत ही अच्छा गुजरा है। तो आप तो सारा दिन सोए रहे हो, तो आपको काम है? हाँ, काम तो सारा मैंने किया है। ये जानवरों की कौन करता है, मैं नहीं करता। बस आप करो, तो बाहर चले जाते हो। मैं बाहर चला जाता हूँ तो किस तरह आपने इनको घास डाल रहे हो खरगोशों को सिर्फ? हाँ, और क्या करना होता है आपने? वो जानवर नहीं है, बड़े जानवर नहीं है। उनको कब डाला है तुमने? डाला है, आप नहीं होते तो इसलिए मैं डालता हूँ। अच्छा, सारा दिन तुम वो 8 बॉल खेलते रहते हो है ना? चले रहता हूँ जब फ्री होता हूँ। चले बस चलते हैं किचन में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या तैयारियाँ चल रही हैं, और आप ही जो है आज क्या बना रही हैं। तो शाजी आप ही भी आने वाली हैं इंशाल्लाह, वो भी इफ्तारी अल्लाह से आज जो है इफ्तारी में आप ही बना रही हैं। आप देख सकते हैं तड़का जो है लगा हुआ है, प्याज और टमाटर वगैरह को, और जो है चावल जो है वो भिगोए हुए हैं। आज चावल बना रहे हैं इफ्तारी में, तो देखते हैं कि आज किस तरह के बनते हैं ये। ये इनकी सारी जो है वो अभी जो है इसका मसाला वगैरह तैयार हो रहा है, तो अभी इसमें चावल वगैरह डालेंगे। तो चावल जो है तकरीबन इनका पानी जो है वो खुश्क हो गया है, अभी है जो है इनको दम पे लगाते हैं, तो उसके बाद जो है आज देखते हैं कि आप ही ने जो है किस तरह के चावल बनाए हैं। और अम्मी जो है तंदूर में आग डाल रही हैं रोटियाँ लगाने के लिए, क्योंकि अभी जो है पूरे 30 मिनट रहते हैं इफ्तारी में से ना, तो 30 मिनट में जो है रोटी भी लग जाएगी और चावल भी जो है तैयार हो जाएंगे। और मैं जो है इस तरह करता हूँ कि जो पीने वाला ठंडा पानी होता है शरबत वो बनाता हूँ, ठीक है? तो आप वीडियो के साथ रहें। तो माशाल्लाह से चावल जो है दम पर आ चुके हैं, और अब देखते हैं कि कैसे इनका टेस्ट होता है। आज तो बस जुम्मे का दिन था और बहुत दिल कर रहा है ना कि जल्दी जल्दी जो है टाइम गुजर जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा है आज, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं थी इसलिए ना। माशाल्लाह से खजूर
और समोसे पकोड़े और जो पानी था वो भी मैंने बना लिया है। अम्मी जो है वो रोटियां लगा रही हैं और अभी इफ्तारी में से सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट रहते हैं। माशाल्लाह से अम्मी ने जो है रोटियां लगा ली हैं, यहाँ से भी काम जो है ख़त्म हो गया है, तो अभी चलते हैं। अम्मी जल्दी करो, 10 मिनट रहते हैं, आ जाओ। दुआ भी मांग दी अपने सब देखने वालों के लिए, हमारी वीडियो देखते हैं, इंशाल्लाह सबके लिए दुआ मांगेंगे आज, जितनी हमारी बहनें और भाई हमारी वीडियो देखते हैं। इंशाल्लाह से जो है साथ हमारे हमसायों की दावत थी तो उन्होंने भी चावल दिए हैं, और हमने ये चावल बनाए थे जो है नमकीन चावल, उन्होंने मीठे चावल भी दिए हैं, और एक और फैमिली थी उन्होंने भी नमकीन चावल दिए हैं। तो मुकम्मल जो है इफ्तारी का जो सामान था वो हमने जो है मैनेज कर लिया है, इकट्ठा हो गया। बस अभी जो है वज़ू करते हैं और इफ्तारी के लिए जो है बैठते हैं, अपने सब देखने वालों के लिए भी दुआ करते हैं। तो वीडियो के साथ रहें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया करें। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, अभी जो है दुआ मांगते हैं, जैसे गुगु बजता है तो फिर जो है हम रोज़ा जो है इफ्तारी करेंगे। अभी हमने सारा सेटअप जो है कंप्लीट कर लिया, अम्मी भी हमारे साथ हैं और आप ही जो है आज अपने घर हैं, वो अभी तक नहीं आई क्योंकि वहाँ पर भी उनकी सास ससुर वगैरह सबको रोज़ा होता है, तो उनको भी जो है इफ्तारी करवानी होती है, तो वहाँ से इफ्तारी के बाद ही जो है वो आएँगी, ठीक है, इसलिए आज जो है वो वीडियो में नहीं आ सकी, तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में ज़रूर होंगी। तो अभी जो है दुआ मांगते हैं, तब तक जो है गुगू भी जो है बच जाएगा, 2-4 मिनट रहते हैं, तो आप सब देखने वालों के लिए हमारी दुआ है, अम्मी भी जो है दुआ करती है, हमें दुआ। माशाल्लाह से गुगु जो है वो बच चुके हैं, तो अभी जो है दुआ मांगते हैं। खजूर जो है पहले खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, क्योंकि खजूर जो है के साथ इफ्तारी करने से जो है बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। अम्मी ने आज तो व्यूअर्स ये थी आज की हमारी वीडियो, तो कैसी लगी हमारी इफ्तारी तो आपने लाजमी बताना है कमेंट्स में। तो मिलेंगे कल की वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।